सिर्फ जरूरी कामों के लिए ही बाहर निकलें। दो गज दूरी और मास्क है जरूरी। मुझे बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं। भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। और इसलिए भाइयों बहनों, मुझे यहां विकास करना है, मुझे यहां शिक्षा की चिंता करनी है, मुझे यहां किसानों को पानी पहुंचाना है, मुझे यहां किसानों को उनकी फसल पर पूरी कीमत मिले इसका प्रबंध करना है, मुझे नौजवानों को रोजगार देना है। बस लड़कों को जॉब दे दीजिए भाई साहब, उनका कितना बड़ा सपना होता है, 30-40 हजार की नौकरी चाहिए। उन्हें नहीं चाहिए आपकी तरह हेलीकॉप्टर, प्लेन और संसद भवन का वो बिल्डिंग नहीं चाहिए। वो बेचारा खुश हो जाएगा, केवल 30-40 हजार की नौकरी में खुश हो जाएगा, बस उसको दे दीजिए, इससे ज्यादा नहीं। गवर्नमेंट ने खुद बोला था 2 करोड़ नौकरी देंगे, 2014 से लेकर 2020 के बीच में अगर आप 6 साल के बीच में देखेंगे तो 12 करोड़ नौकरी देना चाहिए। हमको क्या लगता है, गवर्नमेंट खुद नहीं कह सकती हम 12 करोड़ नौकरी दिए हैं? अगर गवर्नमेंट कहेगी ना अपने पुराना डाटा के हिसाब से कि हमने 2 करोड़ का वादा किया था, अगर केवल ये बात बोल देंगे ना तो इससे भयानक डिसलाइक चला जाएगा, क्योंकि एक घर में एक सरकारी नौकरी का होना जरूरी था। इसलिए लड़का तैयारी कर रहा है कि प्राइवेट वालों का जॉब चला गया, जिनकी सरकारी थी कम से कम कुछ तो मिल रहा था वहां पर। आप खिलवाड़ किए जा रहे हैं एसएससी, रेलवे। भाइयों बहनों, ये जिन लोगों ने देश को लूटा है उनके अच्छे दिन की गारंटी मैंने नहीं दी थी, और इसलिए उनके तो बुरे दिन और बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि यह देश लूटने नहीं दिया जाएगा। मैं संतरी मन करके बैठा हूं भाइयों बहनों, मैं प्रधान सेवक हूं लेकिन मैं एक प्रधान ट्रस्टी भी हूं। ये देश की संपत्ति आपकी संपत्ति है, उसको लूटने नहीं दिया जाएगा। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए? अरे एक बार, ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। देखिए ये जुमला है, किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। ये जो काले धन वापिस लाकर गरीबों को फायदा पहुंचाने की बात है, उनकी योजनाएं बनती, उनके फायदे के लिए काम होता है, इस माध्यम से पैसा जाता है, किसी को कैश कभी नहीं दिया जाता, वो सबको मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं आपके लिए भाइयों बहनों, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। और भाइयों बहनों, ये फकीरी है जिसने मुझे गरीबों के लिए लड़ने की ताकत दी है भाई। शेमलेस, व्हाट काइंड ऑफ अ जोक इज दिस? मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहन। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार। कोई सेंसेस बात की?
पे झूठ, झूठ पे झूठ। पुरानी सरकार जैसा करना है तो आपने मुझे चुन करके बिठाया क्यों है? मैं उनके जैसा करूं आपको मंजूर है? उन्होंने जो किया मैं करूं मंजूर है? मुझे देश की अपेक्षा के अनुसार काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? वक्त बदल चुका है, ये आपका चौकीदार चौकन्ना है। बिचौलियों और भ्रष्टाचारियों की ये सारी बिचौलिया कल्चर को उस पर लगाम लगाई जा रही है। अब सरकार और हम कामगार के बीच सीधा संवाद हो रहा है, योजनाओं का सीधा लाभ आपके बैंक खाते में जमा हो रहा है। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। भाई और बहनों, आपके इस चौकीदार की यही ईमानदारी बिचौलियों और दलालों के हमदर्दों को जरा परेशान कर रही है। आई एम हैप्पी। उनकी नींद आराम हो गई है और इसलिए वो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। 5 साल से दुकानें बंद पड़ी है, दलाली बंद हो गई है, चिल्ला रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, क्योंकि उनका दाना पानी बंद हो गया है। लेकिन आपके आशीर्वाद से करोड़ों लोग आज मुझे सुन रहे हैं। मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं, देश के मजदूरों का, देश के गरीबों का, देश की माताओं बहनों का जो सपने लेकर के बैठे हैं, ऐसे युवाओं का मुझ पर आशीर्वाद है। बकवास, बकवास। भाइयों बहनों, मैं पूछना चाहता हूं, ये विश्वासघात है? ये विश्वासघात करने वालों को सजा दोगे? ये विश्वासघात वालों को उखाड़ के फेंक दोगे? चुन चुन के साफ कर दोगे? देशवासियों, इस वक्त देश के हर कस्बे, हर गांव, हर गली और हर मोहल्ले से एक ही आवाज आ रही है, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? मोहब्बत टूवे होती है सर, मोहब्बत दो जगह से चलती है, ऐसे मोहब्बत नहीं चलती। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी, बस कोई अल्फाज नहीं है। मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। आप नहीं, नहीं।